हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में यू विल लर्न अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट एंड यू विल लर्न अबाउट प्लस आई एज वेल एज माइनस आई. ये होता क्या है एंड हाउ टू चेक दिस इन वेरियस ग्रुप्स एंड वेरियस कंपाउंड्स. सो लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. ये एग्जाम्पल हम लेते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल का. वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ HF. अब हमें इसमें देखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसे ऑपरेट होगा स्टूडेंट्स. तो आप सभी को ये बात बहुत क्लियरली पता है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर होगा जिससे H और F के बीच में बॉन्ड बना होगा. अब स्टूडेंट्स होगा कुछ ऐसा कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है स्टूडेंट्स, ये किसकी तरफ ज़्यादा होगा, ये फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा मूव करेगा, जिस कारण फ्लोरीन के ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज आएगा. ये जो पार्शियल चार्ज स्टूडेंट्स आए, इस पार्शियल चार्ज के अपीयर होने को हम इंडक्शन बोलते हैं. अब यहाँ पे इंडक्शन जो हुआ, इंडक्टिव इफेक्ट जो हुआ स्टूडेंट्स, ये दो टाइप का होता है. या तो ये होता है प्लस आई इफेक्ट या ये होता है माइनस आई इफेक्ट. अब ये प्लस आई और माइनस आई क्या होता है, तो सबसे पहले आपने जाना कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है. इंडक्टिव इफेक्ट जो है स्टूडेंट्स, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट. ये परमानेंट इफेक्ट होता है. इस परमानेंट इफेक्ट में स्टूडेंट्स होता क्या है, इस परमानेंट इफेक्ट में सिग्मा जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, इनका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है. ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाते हैं. अब इस डिस्प्लेसमेंट के होने के बाद स्टूडेंट्स फर्क क्या पड़ता है, इस डिस्प्लेसमेंट के होने के बाद जो एटम्स हैं इनके ऊपर चार्ज आते हैं. अब अगर इसमें पूछा जाए कि फ्लोरीन जो है इसने क्या शो किया, इसने माइनस आई शो किया या प्लस आई शो किया, तो हम बोलेंगे कि इसने माइनस आई शो किया, यानी इंडक्शन की वजह से इसने इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ किए. तो स्टूडेंट्स माइनस आई से आपके दिमाग में क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स को विथड्रॉ करना. और यहाँ पे अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन एटम ने क्या शो किया, तो हम बोलेंगे स्टूडेंट्स कि इसने शो किया प्लस आई इफेक्ट. इसका मतलब क्या होगा, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए. तो प्लस का मतलब क्या होता है, एडिशन, डोनेशन, और माइनस का मतलब क्या होता है, सब्सट्रैक्शन, दैट इज विथड्रॉ करना. तो स्टूडेंट्स HF के अंदर हाइड्रोजन ने शो किया प्लस आई और फ्लोरीन ने शो किया माइनस आई. लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल. हमने लिया क्लोरोमीथेन. वी हैव टेकन CH3Cl और हमसे पूछा गया कि क्लोरीन ने क्या शो किया, माइनस आई प्लस आई क्या हुआ. तो अगर आपको ग्रुप्स के बारे में देखना है कि इन दो ग्रुप्स में कौन प्लस आई शो कर रहा है और कौन माइनस आई शो कर रहा है, तो इस कार्बन और इस क्लोरीन के बीच में जो ये बॉन्ड बना है, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग को आपको एनालाइज करना है. तो आप सभी को पता है स्टूडेंट्स, कार्बन और क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन होगा, क्लोरीन होगा, जिस कारण इलेक्ट्रॉन पेयर जो होगा स्टूडेंट्स, वो किसकी तरफ ज़्यादा शिफ्ट होगा, क्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा स्टूडेंट्स और कार्बन पे आएगा डेल्टा प्लस. तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि क्लोरीन ने शो किया माइनस आई और कार्बन ने शो किया प्लस आई, क्योंकि क्लोरीन ने नेट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ किए स्टूडेंट्स और मिथाइल ने नेट इलेक्ट्रॉन डोनेट किए. लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल. थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल हम लेते हैं. Let us say we have taken chloroethane, we have taken CH3, CH2 and Cl. अब ये जो एग्जाम्पल है, इसमें आपसे पूछा गया कि क्लोरीन ने क्या शो किया और इथाइल पूरे एज अ ग्रुप एज अ होल ने क्या शो किया. तो स्टूडेंट्स हमने इस पूरे मॉलिक्यूल को ओपन करके बना लिया है. नाउ यू कैन विजुलाइज. सबसे पहले आपको किस बॉन्ड पर फोकस करना है, यू हैव टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर बॉन्ड. इस बॉन्ड पे आपको फोकस करना है कि यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो किस डायरेक्शन में होगा. तो यू कैन सी क्लोरीन की ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो क्लोरीन की तरफ होगा, जिस कारण इस क्लोरीन के एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस कार्बन पे उतना ही पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा. अब स्टूडेंट्स होगा क्या, ये कार्बन पे प्लस आने की वजह से ये जो बगल वाला लेफ्ट में जो कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, उससे इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, जिस कारण इन दोनों के कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन फ्लो उस कार्बन की तरफ होगा जहाँ डेल्टा प्लस पहले से है. तो इसकी वजह से जो कार्बन ये जुड़ा हुआ है लेफ्ट साइड में, इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा. और यहाँ स्टूडेंट जो डेल्टा डेल्टा प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब चार्ज पहले से कम आएगा. क्यों, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस है स्टूडेंट्स, वो बाद में इन दोनों कार्बन के बीच में नहीं होगा. अब इस तरीके से इंडक्शन फैलता है, इस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट फैलता है पूरे मॉलिक्यूल में. अब ओवरऑल देखा जाए तो इस ग्रुप एज अ होल ने क्या किया स्टूडेंट्स, इस ग्रुप एज अ होल ने इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया, यानी क्या शो किया,
प्लस आई इफेक्ट शो किया, और क्लोरीन ने स्टूडेंट्स क्या किया, वही इलेक्ट्रॉन जो इथाइल ने दिया था वो एक्सेप्ट किया, तो उसने क्या शो किया स्टूडेंट्स, माइनस आई इफेक्ट शो किया। नाउ स्टूडेंट्स लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में हमने थोड़ा सा और बड़ा मॉलिक्यूल लिया, ये जो बड़ा मॉलिक्यूल है इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट्स क्लोरोप्रोपेन। अब क्लोरोप्रोपेन में देखते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट कैसे ऑपरेट होगा। तो सबसे पहले आपको उस बॉन्ड पे फोकस करना है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हो, तो ऑटोमेटिकली आप कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो ये बॉन्ड बना है इसके ऊपर आप फोकस करेंगे, जिस कारण क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है। अब कार्बन पर डेल्टा प्लस आने की वजह से स्टूडेंट्स ये जो नेक्स्ट वाला कार्बन है ये भी इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, जिससे इस पर्टिकुलर कार्बन पे स्टूडेंट्स कौन सा चार्ज आएगा, डेल्टा डेल्टा प्लस, यानी पहले से थोड़ा सा कम चार्ज आएगा। कॉन्सिक्यूटिवली अब जो ये लेफ्ट मोस्ट कार्बन है ये भी इस बगल वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, क्योंकि ये जो कार्बन है इट इज न्यूट्रल एंड द राइट कार्बन इज पार्शियली चार्ज्ड, तो इसके ऊपर भी पार्शियल चार्ज आएगा स्टूडेंट्स, पर ये पहले से क्या होगा, थोड़ा और कम होगा। तो आपने एक बात जानी कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, ये डिस्टेंस पे काफ़ी डिपेंड करता है, जितना दूर ये ग्रुप्स जाएंगे उतना दूर इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। क्लोरीन के इंडक्शन का इफेक्ट स्टूडेंट सबसे ज़्यादा कहाँ था, पहले कार्बन पे, फिर सेकंड पे और थर्ड पे ये इफेक्ट काफ़ी कम हो गया, तो डिस्टेंस ज़्यादा होने से ये इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है स्टूडेंट्स। तो ओवरऑल व्हाट वी कैन से, इस पूरे ग्रुप एज अ होल ने क्या शो किया स्टूडेंट्स, प्लस आई शो किया, और क्लोरीन ने क्या शो किया, माइनस आई शो किया। अब एक बात बताइए, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, वी हैव क्लोरोइथेन, सेकंड एग्जांपल वी हैव आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, द थर्ड एग्जांपल वी हैव इज टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अगर आपसे पूछा जाए कि इथाइल आइसोप्रोपाइल और टर्शरी ब्यूटाइल में कंपेयर कीजिए किनका प्लस आई इफेक्ट किसका सबसे ज़्यादा होगा, तो स्टूडेंट्स ए में, बी में और सी में सबसे ज़्यादा प्लस आई जो होगा स्टूडेंट्स वो किसका होगा, सी का होगा, फिर किसका होगा, बी का होगा, और फिर किसका होगा, ए का होगा। वाई, क्योंकि जितने मिथाइल ग्रुप स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का सप्लाई क्लोरीन को मिलेगा। यहाँ पे मिथाइल पहले केस में स्टूडेंट्स कितना है, ओनली वन मिथाइल, अगले केस में दो मिथाइल, इन द नेक्स्ट केस वी हैव थ्री मिथाइल, तो इंडक्टिव इफेक्ट विल इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ मिथाइल ग्रुप्स। नाउ लेट अस टेक वन मोर एग्जाम्पल, मान लीजिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लेते हैं एक केस में फ्लोरोइथेन, इन द नेक्स्ट केस वी टेक क्लोरोइथेन, इन द नेक्स्ट केस वी टेक ब्रोमोइथेन, और हमसे पूछा जाए फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन में किसका इंडक्शन ज़्यादा होगा, तो स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली फ्लोरीन का इंडक्शन जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, क्यों, बिकॉज ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, यानी जितनी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ेगी ऑटोमेटिकली इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स। लेट अस टेक टू वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, अगले एग्जाम्पल में हमने बेंजीन रिंग के ऊपर लगाया सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, और आपसे पूछा गया कि इस ग्रुप ने और बेंजीन में किसने प्लस आई शो किया और किसने माइनस आई शो किया। अब इस केस में अगेन जो दोनों, जिस बॉन्ड से दोनों ग्रुप जुड़े हुए हैं उस बॉन्ड पे आपको फोकस करना है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो किस डायरेक्शन में हो रहा है। तो यू कैन सी जो बेंजीन का ये वाला कार्बन है स्टूडेंट्स, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है sp2, और जो ये वाला कार्बन है स्टूडेंट्स इसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp, sp और sp2 में स्टूडेंट्स किसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, sp हाइब्रिडाइज कार्बन की, क्योंकि इसमें परसेंटेज s करेक्टर क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होगा स्टूडेंट्स वो किस तरफ होगा, ऊपर वाले कार्बन sp हाइब्रिडाइज कार्बन की तरफ, इसलिए नेट उस पर चार्ज क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव, और बेंजीन पर नेट चार्ज क्या आएगा स्टूडेंट्स, डेल्टा पॉजिटिव, हैंस दिस ग्रुप विल शो माइनस आई, और जो नीचे वाला बेंजीन रिंग है वो शो करेगा प्लस आई। लेट अस टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें आपके सामने आई हैव गिवन टॉलुवीन, टॉलुवीन में वी हैव दिस मिथाइल ग्रुप एंड दिस बेंजीन ग्रुप। अब इसमें अगेन नोटिस कीजिए जो कार्बन यहाँ पे बेंजीन से जुड़ा है स्टूडेंट्स, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और बेंजीन से जो कार्बन जुड़ा है स्टूडेंट्स उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब आप सभी को पता है कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो किस तरफ होगा स्टूडेंट्स, नीचे की तरफ होगा, यानी बेंजीन की तरफ होगा, और बेंजीन पे आएगा नेट नेट डेल्टा नेगेटिव चार्ज, और मिथाइल पे आएगा नेट डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से बेंजीन विल शो माइनस आई एंड मिथाइल विल शो प्लस आई।
तो स्टूडेंट्स आपने देखा बेंजीन इन दोनों केसेस में ही एक केसेस में प्लस आई शो कर रहा है और दूसरे ही केस में माइनस आई शो कर रहा है, यानी हम कह सकते हैं ये जो इफेक्ट है इट इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज रिलेटिव। रिलेटिव कहने का मतलब ये है कि ये डिपेंड करता है ग्रुप किस ग्रुप से जुड़ा है। अगर बेंजीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम से जुड़ा है तो वो शो कर रहा है प्लस आई, और अगर वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ है तो स्टूडेंट्स वो शो कर रहा है माइनस आई। तो स्टूडेंट्स लेट अस रिकैप व्हाट वी हैव लर्न्ड सो फार। इन द इंडक्टिव इफेक्ट वी हैव सीन इट इज अ परमानेंट इफेक्ट इन विच सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्प्लेस्ड परमानेंटली ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है ये। ये इफेक्ट जो होता है स्टूडेंट्स इट इज अ वीक इफेक्ट, ये थोड़ा वीक इफेक्ट है क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स अपने को डिस्प्लेस करने हैं तो डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है। वी हैव सीन जो ग्रुप ऑफ एटम्स नेट इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करते हैं वो शो करते हैं माइनस आई, और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो शो करते हैं प्लस आई। हमने देखा जैसे जैसे ये इथाइल मिथाइल ग्रुप्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे प्लस आई ग्रुप प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जा रहा है स्टूडेंट्स, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ रही है स्टूडेंट्स वैसे वैसे भी इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ता जा रहा है स्टूडेंट्स। इसके बाद आपने देखा कि ये इफेक्ट जो होता है इट इज रिलेटिव एंड नॉट एब्सोल्यूट। ओके स्टूडेंट्स प्लीज लाइक एंड डू सब्सक्राइब।